So this is a single pilot jet. जी ये इसमें भी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें आपका को पायलट भी हो सकता था. इसमें हो सकते हैं हमारे साथ कुछ मॉडल जो है हमारे वो डुअल मॉडल होते हैं right. और कुछ सिंगल कॉकपिट सिंगल होते हैं. राइट राइट right, right. एक नॉर्मल सिनेरियो में फॉर एग्जांपल इन रिगार्ड्स टू 27 फेब अगर हम बात करें जी, जी. तो उसमें क्या प्रोटोकॉल होती है कि फ्रॉम सेटिंग अप द प्लेन और उसमें प्लेन तक आपके जो फाइटर जेट है उसमें बैठने तक उसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें. अच्छा ट्रेनिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ये हम उसी दिन के लिए कर रहे हैं. यस तो जो हमारी बेसिक्स हैं जो हम शुरू से पीएफ एकेडमी रिसालपुर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वही चीज़ें हम स्टार्ट करते करते इम्प्रूव करते हैं और वो बेसिक जो बिल्ड हो जाती हैं हमारी हम उसी को लेके आगे चलते हैं. तो देर इज़ नथिंग स्पेसिफिक और कोई पर्टिकुलर चीज़ कि अगर हमने कुछ और कोई ऐसा दिन है जिस पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना रिस्पॉन्स देना है तो उसमें कोई चीज़ डिफरेंट होगी. तो दैट इज़ वाई उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमने बेसिक सारी सीखी भी होती हैं हमें जो चीज़ें हमें पता होती हैं हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी वजह से फिर हम उस पिक एंड स्पैन चीज़ें थॉरली कर सकते हैं. एग्जैक्टली जबरदस्त. अच्छा सर जिस तरह मैं अगर एग्जांपल दूँ फार्मूला F1 में पिट स्टॉप होता है और आपका बिल्कुल वो उसमें छोटे छोटे सेकंड्स भी जो हैं वो बड़े कीमती होते हैं तो क्या इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है फ्रॉम सेटिंग अप द लैडर और ट्रेन की मेंटेनेंस और चेक और बिल्कुल आपने आपके टेक ऑफ से पहले क्या वही सब चीज़ें उसी नौयत की जो है वो इंपॉर्टेंस रखती हैं टाइम के हवाले से. बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने. इसमें ऐसे ही है हमारा जितना भी ये टाइमलाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम जब हम जहाज़ पे आते हैं इसी तरह मिशन करते हैं अपने सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स करते हैं और वापस लैंड करते हैं. दीज ऑल थिंग्स आर स्पिक एंड स्पैन कैलकुलेटेड. तो वो टाइम हम मैनेज करते हैं एंड फिर कॉकपिट के अंदर जो हमारा नॉर्मल मिशन है जो हमारी ट्रेनिंग है जो हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग है उन सब में भी ये टाइम बहुत मैटर करता है. तो वो चीज़ें फिर हम उसी लिहाज से उसी तरीके से हम मैनेज करते हैं. ज़बरदस्त. जिससे आपने बताया कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस हवाले से वंस यू आर फ्लाइंग एंड लेट्स से यू आर इन अ कॉम्बैट तो उसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं हाउ इंपॉर्टेंट आर रिफ्लेक्सेस और कोई रिफ्लेक्स को इम्प्रूव करने की भी खास ट्रेनिंग होती है या वो विद टाइम चीज़ डेवलप हो जाती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इसमें हमारी जो ट्रेनिंग होती है अकेडमी से उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. जिस तरह फ्लाइंग के अलावा भी जो हमारी एकेडमी में रूटीन होती है हमारे टाइम टेबल्स होते हैं हमारी जितनी भी प्रोसीजर्स हैं हमारे right. वो सारे हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं. एक चीज़ मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि ये जो आपका इजेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है जी. एक तो ये कैसे काम करता है एंड इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कैसे की जाती है बिकॉज आई डोंट नो कि आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग में आप बार बार सेम जेट के अंदर बैठ के आर यू फ्लाइंग दैट जेट और उसको आप उसको सिमुलेट कर रहे हैं और तो वो एक ये छोटी सी चीज़ है वो पर्सनली आई वुड लाइक टू नो. इसमें ये है कि हमारे पास सिमुलेटर्स होते हैं राइट इसी तरह इंजेक्शन सिमुलेटर्स भी होते हैं तो वी डू द प्रैक्टिस उन सिमुलेटर्स के अंदर. एक्चुअल जहाज पे वो ऑफकोर्स नहीं exactly. हो सकता तो हम सिमुलेटर्स पे प्रैक्टिस करते हैं. वो चीज़ें सारी प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी सेकंड नेचर होती है. गॉड फॉरबिड अगर रिक्वायरमेंट है इजेक्शन की तो वी कैन डू दैट इन अ कंफर्टेबल वे एंड वी हैव एटलीस्ट प्रैक्टिस्ड इट. ये सारी चीज़ें इस तरह मैनेज होती हैं. जबरदस्त सर इट वाज लवली नोइंग टॉकिंग टू यू फ्रॉम द वेरी इनसाइड ऑफ द फाइटर जेट एंड आई थिंक यू एंड मी वी बोथ ऑफ टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. Thank you.